जय श्री राम भाई। ये सब कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। ये तो आदत अपनी फिटनेस फ्रीक है ना, क्या कर सकते हैं। तो भाई आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो बड़ा फेमस टॉपिक है, आप सबने यूट्यूब पे उनको देखा होगा, यूट्यूब से रिलेटेड है, यूट्यूबर ही है। नाम है अब्दुल्ला पठान या डॉक्टर अब्दुल्ला पठान। तो इन भाई साहब को हमने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने हम सब ने देखा है, कभी नारियल फोड़ते हुए, कभी ट्रैक्टर उठाते हुए सनी लियोनी के साथ डेट पे, कभी किसी पुलिस वाले के साथ, कभी किसी के साथ, कभी खली भाई के साथ, खली सर के साथ, है ना। जो एक हथौड़े से टूटते नारियल, कच्चा नारियल, ये हाथ से तोड़ेगा भी। सो आप वॉच आउट। तो अब नया नया ताजा मामला सुनने में आया। मैं न्यूज स्क्रॉल कर रहा था और न्यूज स्क्रॉल करते करते मुझे एक लेटेस्ट अपडेट मिली है इनके बारे में। पता है क्या जानना चाहेंगे? लेटेस्ट अपडेट इनके बारे में ये है कि ये हो चुके हैं फरार। फरार 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 हुए क्यों है? लेकिन मैंने भी सोचा, जब मैंने वो आर्टिकल रीड किया ना, मैं आपको दिखाऊंगा वो आर्टिकल, देख लो साइड में, रीड कर लिया आपने, आर्टिकल पे लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे दवा खाना। तो अब अब्दुल्ला पठान को तो मैं जानता था, अब्दुल्ला पठान की तो मैंने वीडियोस देखी, अच्छा भी लगता था, लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला पठान का ये समझ नहीं आया मेरे दिमाग को ये आर्टिकल देखने के बाद। तो मैंने करा गूगल पे आर्टिकल सर्च, गूगल का पूरा देखा और जो नॉर्मल आर्टिकल था वो भी सर्च किया, वो भी देखा मैंने। तो डॉक्टर अब्दुल्ला पठान या अब्दुल्ला पठान ये क्या करते थे? इन्होंने दवा खाना खोल रखा था जड़ी बूटियों का, और ये लोग, इनका ये वो था कि ये लोगों की बीमारियां ठीक करते थे, जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल ठीक नहीं कर पाते थे वो ये ठीक करते थे। ठीक है, देख लो इनके पास कुछ लोग भी आ रखे, देखो। आदिल नाम है, पास से दिखा दो। हाँ बोलते रहो। आदिल नाम है, मुरादाबाद से आए हैं, हमने वीडियो देखी थी अब्दुल्ला भाई की, इसके एलर्जी है 2 साल से और ये सही नहीं हो रही है। काफ़ी डॉक्टरों की दवाई कर चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों की दवाई करी है मगर किसी से कोई फ़र्क नहीं हुआ। फिर हमने इनकी वीडियो देखी अब्दुल्ला भाई की कुंदरकी में, हम यहाँ आए हैं मुरादाबाद से इनको लेके ताकि ये ठीक हो जाए, बहुत परेशान है, रातों को नींद नहीं आ रही इनको। अल्लाह से दुआ करना कि भाई ठीक हो जाए, इंशाल्लाह परमानेंट शिफा अता फरमाए। हाँ ठीक हो जाएंगे। फिर हमने काफ़ी मरीजों को देखा है यहाँ पे, तो सबको शिफा मिली, इसको भी शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह। बाकी मैं ये नियम है जो मैंने बता दूंगा और दवाई दे दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको शिफा। देख लिया आप लोगों ने, तो ऐसे ऐसे इनके सीन हैं। तो अब मैं क्या बताऊं, अभी इन पे परी है रेड, ड्रग्स कंट्रोल की, तो मेडिसिन वालों की, मेडिकल डिपार्टमेंट है सबकी परी इन पे रेड, पुलिस सबकी, और ये हो चुके हैं फरार। जो अभी तक सारे टॉपिक समझ में जो मेरे आई है सब कुछ आर्टिकल देखने के बाद, तो देखने के बाद ये समझ आया मेरे पल्ले पर आया कि भाई इन्होंने खुद के आगे खुद ही डॉक्टर लगा दिया था, इनको कोई जरूरत नहीं पड़ी डॉक्टरी करने की, मेडिकल साइंस में घुसने की या किसी भी चीज की, जिससे इनके नाम पे एक डॉक्टर लगे। इन्होंने सोचा भाई नारियल तो फोर ही देता हूं मैं, खली भाई के साथ वीडियो बनी गई, सनी लियोनी के साथ चाय की चुस्की ले ली होगी, है ना, जज साहब की शादी में भी जा रहे, जरा देखिए आप ये वीडियो, बड़े शान से लिखा हुआ है, पेज भी नहीं का, तो इन्होंने सोचा क्यों ना पैसे बनाए जाए। YouTube से तो पैसे कमा ही रहा हूं, लेकिन पैसे कमाने के और भी तो जरिए हैं, तो अपने आप को क्यों ना अब्दुल्ला पठान के बजाय डॉक्टर अब्दुल्ला पठान बना दिया जाए। और डॉक्टर अब्दुल्ला पठान पठान बनाते बनाते ये आज हो चुके हैं रफू शक्कर फरार। अब इन्होंने किसका इलाज किया, क्या नहीं किया, क्या रिजल्ट है वो तो नहीं पता मेरे को, बहुत सारे वीडियो में ऐसा दिखाया गया है कि रिजल्ट के असर भी आए, लेकिन देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम डॉक्टर बन जाओगे ना तो जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, जितने साल मेहनत कर रहे हो, वो लोग चूतिया थोड़ी ना बैठे हुए,
समझ गए, जो कानून नी। अब मैं, अब यहाँ पे हर एक बंदा अपने आप को वकील समझता है, हर एक बंदा अपने आप को कानूनी सलाहकार समझता है, समझ रहे हो? तो भाई मेरी बात सुनना ध्यान से, वो कोर्ट रूम में जाके जज के सामने वकालत तो नहीं कर सकता ना बिना डिग्री की, वो चाहिए ना वकालत। अरे भैया डिग्री लेने के बाद भी स्टार्टिंग में वकील लोग बेचारे हमारे फर्म के पीछे, लोगों के पीछे, सीनियर एडवोकेट्स के पीछे भगते हैं कि उन्हें काम मिले, उन्हें सीखने को मिले। डॉक्टर को ही ले लो, आजकल ऐसे भी फर्जी दवा खाने बहुत चल रहे हैं मार्केट में, और ये वीडियो हम लोग देखते हैं, कभी यहाँ छापा, कभी वहां छापा, कभी वहां छापा, आज आपके घर पे पड़ गया छापा क्योंकि आपने करा लोगों के साथ फ्रॉड। अब लोगों के साथ फ्रॉड किया नहीं किया, लेकिन एक जरूर फ्रॉड किया आपने डॉक्टर लगा के। डॉक्टर अब्दुल्ला पठान ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, ये डॉक्टर कोई सरनेम नहीं है, डॉक्टर कोई वो नहीं है, डॉक्टर एक लेवल है, डॉक्टर एक पदवी है जो बहुत कठिन परिश्रम के बाद लोगों को मिलता है। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं। आपके नारियल फोड़ने से लेकर और आपके खली भाई के वीडियो तक बनाने तक आप डॉक्टर नहीं बन जाते, आपको कोई भी यूट्यूब की वीडियो या आपकी फैन या आपकी जनता आपको डॉक्टर नहीं बना देती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब्दुल्ला पठान जी, आज अगर आपने वो चीज़ नहीं किया होता, आज आप अपने यूट्यूब पर डिपेंड होते या अपने बाकी कामों पे करते, लोगों का भला करते, हवाबाजी में नहीं रहते कि मैं जज के बेटे की शादी में तो पुलिस के साथ वीडियो डाल लिया सब कुछ, तो आज आप फरार नहीं होते, आज आप वीडियो बना रहे होते। मैं आपकी वीडियो नहीं बनाता, मैं आपकी वीडियो बनाता लेकिन ऐसे तो नहीं बनाता मैं आपकी। आप जो शक्ति दिखाते हो बहुत अच्छी बात है, आप में जान है आपके शरीर में, आप लोगों को उसकी ट्रेनिंग दे रहे। यार देखो आजकल हमारे जमाने में क्या हो गया ना, हमारे टाइम में, कि लोग चार दिन खुद करने के बाद पांचवे दिन उनको लगता है कि वो उस चीज में महारत हासिल कर लिया। मैं भी जिम का बंदा हूं, मैं जिम करता हूं, ठीक है। अब मैंने भी बहुत लोगों को चीजें लाइक, कभी कोई पूछता तो मैं बता देता, जो मैंने यूज किया बता देता हूं कि भाई आप ये रखते हो या अपना गूगल पे सर्च कर लो आप देख लो, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मार्केट में हजार चीजें, हजार ब्रांड है, हजार प्रोडक्ट्स है, मैं अब उनको, मुझे सबकी नॉलेज नहीं है, मुझे सबका, मुझे एक का भी नॉलेज नहीं होगा कि मैं उनको ये चीज बताऊं, लेकिन जो चीज मैंने यूज किया, जो चीज मेरे को बता दो मैं बता देता हूं। लेकिन मैं डॉक्टर आदित्य नारायण नहीं बन जाऊंगा, मेरे ब्लॉग चैनल का डॉक्टर आदित्य नारायण ब्लॉग्स नहीं हो जाएगा, मैं आदित्य नारायण ही रहूंगा, ठीक है। हाँ, ज्ञान, अगर आप इसको एज ए ज्ञान के रूप में वो करते, लोगों को चीज समझाते, बताते, समझ जाते आपने, लेकिन क्या करें, आपने इसे करोड़ों की संपत्ति अर्जी कर ली। कितने की संपत्ति? करोड़ों की संपत्ति, अच्छे अच्छे लेवल, अच्छे अच्छे मुकाम, बाउंसर लेकर घूम रहे हो भाई। अब बाउंसर देखो, अरे भाई इतनी जान वाले हो तो बाउंसर लेके घूम रहे हो, हवाबाजी, सॉरी, पैसा बहुत है आप पे, यू हैव सो मच मनी, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट भाई देखो, कहते हैं ना, एक बार इस कानून के चक्कर में फंस गए तो घूमते रहोगे, तो अब आप घूमते रहो, समझ रहे हो मेरी बात आप, और घूमते 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 कहाँ जाओगे भगवान ही जाने। तो अभी तो फरारी की आपकी न्यूज चल रही है दबके, क्या किया अब्दुल्ला पठान जी आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। कोई नहीं, ऐसे अगर जो भी अब करेगा ना, अपने ज्ञान को गलत यूज ना करके उसको लूट मत मचाओ, पैसे कमाने के 100 तरीके, लूट मत मचाओ, क्योंकि भाई किसी की कोई भी डिग्री, कोई भी चीज आपको ऐसे नहीं मिल जाती है चार दिन के बॉडी बनाने का, चार दिन वीडियो डालने का। यूट्यूब एक ऐसा जगह है जहां पे आप लोगों को चीजें बता सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आप उसको अपने आप को डॉक्टर नहीं बना सकते, फर्जीवाड़ा कहते हैं उसको। आप मानो या ना मानो, आप लाख आपकी जनता या आप बोलो कि नहीं भाई उससे लोग ठीक होते हैं, लेकिन वो फर्जीवाड़ा है। ये जितने हकीम वैद्य जितने हैं सब फर्जीवाड़े पे चल रहे हैं, सब गलत है। मैं ऐसे 10 वीडियो 10 लोकेशन दिखा दूंगा आप लोगों को, जो हर रोड पे दवा खाना और फर्जीवाड़ा चल रहा, तो ये चीज गलत है जड़ी बूटियों के नाम पे। ज्ञान न होने के कारण आपके पास वही लोग आते हैं जो जिनका पैसा नहीं होता या जिनका सो नहीं आता, और कितने बार उन लोगों को गलत चीज आप लोग दे देते। मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग कितने बार गलत चीज दे देते हो। जितने दवाखाने खोल के बैठे यूपी के, तो रोडों पे बाबा हकीम, बाबा बंगाली, पता नहीं कौन कौन से बाबा बैठे होंगे जो कि लोगों को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान करते हैं, और उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा था पलंगटोर टैबलेट मिल गया हमें, कितने में? इतने में। 4 इमेज आपको मैं डाल देता हूँ, देखो चेक करो, आपके जैसे 36 भटक रहे, 36,000 भटक रहे हैं, लेकिन आप उसको ज्ञान का रूप नहीं दे सकते, समझ रहे हो? आप उसे ज्ञान कह सकते हो, लेकिन ज्ञान का रूप के नाम पे पैसे नहीं ठग सकते आप उससे। आप ज्ञान दो, आपको YouTube से कम कमाई थी जो आपने कर, आज आपके पीछे पूरी
यूपी में, आप मुरादाबाद के हो, आपके पीछे आज के टाइम में आप इतने फेमस, इतने सक्रिय थे, आपको इतने चाहने वाले थे, हम भी आपके फैन थे, हम फैन क्या, हमें अच्छा लगता था हमें आपकी वीडियो देखना, फैन तो हम किसी के है ही नहीं, हम तो खुद के फैन है, खुद के जो है खुद हैं, ठीक है। बस हाँ, आपके लिए एक वो था पॉजिटिव पॉइंट जो कि अब नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि आप, मुझे आज पता चला कि आप अब्दुल्ला पठान नहीं, आप डॉक्टर अब्दुल्ला पठान हो, आप भी उसी राह पे चले गए जिस राह पे मैक्सिमम अपने आप को समझते हैं। हर गुरुजी और ट्रेनर अगर डॉक्टर बन गए ना, तो डॉक्टर को अपनी हॉस्पिटल और ये सब बंद करके आपके पास पहुंच जाना चाहिए, आपसे 2 महीने 3 महीने की शिक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, सो गायब। भाई वो पहले का जमाना हुआ करता जब वो वैद्य और वो जरू बूटी वाले बाबा सबका एक अलग ही कला थी, उनके हाथ में उनके उन पे जो जादू थी, उनकी जो शिक्षा थी, उनका जो ज्ञान था, वो अक्रम पार था, उसका कोई तोड़ नहीं था, और आप लोग उसके आस पास भी नहीं हो, लेकिन आप लोगों ने पैसे कमाने के इस राह पे ऐसा गलत रायता फैलाया है कि अब आप खुद ही उसमें फंस चुके हो। कब तक बचोगे? एक ना एक दिन चीजें होती हैं, पॉजिटिव चीजें जितनी रहे एक ना एक दिन नेगेटिव आती है, और नेगेटिव ही आई है चीजें, क्योंकि आपने वो चीज गलत किया है। आपके आपके सो कॉल्ड हॉस्पिटल या दुकान से बहुत सारी ऐसी ऐसी बूटियां मिली हैं जिसपे कोई नाम ही नहीं है, डब्बों पे नाम नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? क्या है लोगों को बताया है आपने कि लोगों को आप 1000 चीज देते हो, लोग ठीक भी क्यों ना होते, क्या आपने लोगों को बताया है कि वो क्या है, कहां से आया, क्या चीज है? नहीं ना, क्योंकि आपको, क्योंकि आप उसको MRP पे नहीं बेच सकते थे, आपको उससे ज्यादा पैसे कमाने थे, आपको उससे अपने करोड़ों की संपत्ति अर्जी करनी थी, और यही चीज आपने किया है। और डंकी की चोट पर मैं नहीं, आज के टाइम में हर बंदा कह रहा है आपको, कमेंट पे, यूट्यूब सेक्शन पे हर बंदा कह रहा है, आपकी जान, आपकी शक्ति सबकी ऐसी की तैसी, लेकिन आपने ये जो किया इससे भेज दी आपकी। और ये चीज मैं नहीं कहना चाहता हूं, ये चीज आपकी, आपने जितनी इज्जत कमाई है वो सब इज्जत आज मिट्टी में मिल गई आपके इस एक छोटे से पैसे कमाने के लालच से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को। हाथ जोड़ के विनती है हमारे सारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम, ईसाई भाई, हर ज्ञान है तो बांटो, बांटोगे तो कम नहीं हो और बढ़ेगा आपका भी ज्ञान, लेकिन उसका बिजनेस मत बनाओ, अपने आप को डॉक्टर मत बनाओ। आप यही चीज किसी डॉक्टर के साथ मिलके उनको साझा करते, शेयर करते, चीजों को देते तो अलग चीज होती, आपके जो हक के पैसे, अगर आपको इंसानियत दिखानी है तो आप फ्री में करते, समझ आता मेरे को, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता, किस पैसा ही सब कुछ है, और वही चीज हुआ है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस इतना सा ही आप वो था कि आप लोगों तक वीडियो पहुंचे और पता चले कि आज के टाइम में क्या हो रहा है, आपके इतने फॉलोअर्स, हमारे फॉलोअर्स 9 के बराबर है, 1300-1400 फॉलोअर्स, क्या हमारे फॉलोअर्स कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारी फैमिली है, हम उसको झूठ नहीं बता सकते, जो हमने आपके बारे में देखा, जो जानते, वो हमने इस वीडियो में डाला, जो न्यूज आर्टिकल में लिखा वो हमने डाला। अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए भी वो, उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे और अपने लोगों, अपने जनता तक सारी वीडियो पहुंचाएंगे। गौर कीजिएगा, सेकंड पार्ट जरूर लाएंगे इसके लिए, आगे क्या होता है अब्दुल पठान, अब्दुल्ला पठान का, या डॉक्टर अब्दुल्ला पठान का, क्या वो डॉक्टर रहते हैं या फिर वो कैदी अब्दुल्ला पठान बन जाते हैं, देखेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे इस चीज को। थैंक यू सो मच गाइज, अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, दबाओ बस लाल से घंटे को, दबाओ और सब्सक्राइब करो, और इतना सब्सक्राइब करो कि हर बंदे तक वीडियो पहुंचे, और एक एक सच्चाई वीडियो बनाऊंगा आपको डेली ब्लॉग के साथ, आपको डेली की रूटीन रियलिटी भी दिखाऊंगा इस दुनिया की, कि दुनिया कहाँ पहुंच रही है और हम लोग किस दलदल में फंस रहे हैं। ठीक है, जय श्री राम भाइयों।